एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 1014 प्रतिलेखन संख्या 22 गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण को स्पिल्ट ऑर्डर के आधार पर वैधानिक और संवैधानिक करार दिया है। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यों की पीठ ने अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा तय कर दी थी। कई राज्यों की मध्यम जातियों जैसे जाट मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले को हवाला देकर ऐसे आदेश को रद्द कर दिया था, मगर ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा को समाप्त कर दिया। इस तरह अब देश में 60% का आरक्षण लागू हो गया है। इस निर्णय के बाद देश में आरक्षण की समीक्षा पर संपन्न तबके के संदर्भ में पिछड़ों के लिए आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने और 50% की लगी रोक हटाने के संदर्भ में एक बड़ी बहस शुरू हो चुकी है। पैरा इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की टिप्पणी महत्वपूर्ण है कि आरक्षण अनंत काल तक नहीं होना चाहिए। इस पर भी देश के कानूनविद बटे हुए नजर आते हैं, क्योंकि आरक्षण का आधार जाति है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश में आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं पर व्यापक असर पड़ेगा। उत्तर भारत के अनेक राज्यों में अब मध्यम जातियां आरक्षण के लिए कानूनी लड़ाई तेज करेंगी और जन आंदोलन भी देखने को मिलेंगे। आरक्षण के पक्ष में भी और विपक्ष में भी जातिगत आरक्षण के लिए और आर्थिक आरक्षण के लिए भी राज्य सरकारें भी राजनीतिक लाभ पाने की होड़ में इस फैसले के आलोक में अनेक जातियों को आरक्षण का आदेश जारी कर सकती है, जिससे देश में विरोधाभास और अराजकता का माहौल बनने की आशंका है। पैरा आज भारत और रूस की दोस्ती को लगभग 70 साल हो चुके हैं और इसमें आज तक न कभी दरार पड़ी है न ही कोई खटास आई है। नेहरू इंदिरा के जमाने से चली आ रही यह दोस्ती लगातार जारी है और आज भी उतनी ही गहरी और प्रगाढ़ है। हर दुख सुख के समय में रूस ने भारत का हमेशा साथ दिया है। खाद्यान्न संकट हो या फिर हथियार उपलब्ध कराना, हर तरह से रूस ने भारत की मदद की है। इसी तरह चाहे वह पाकिस्तान से युद्ध हो या फिर चीन से, हमेशा रूस ने भारत को हर तरह की मदद पहुंचाई है। पैरा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिन रूस में है और उन्होंने अपने समकक्ष विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत करते हुए यही बात कही है कि भारत और रूस के संबंध हमेशा असाधारण रूप से दृढ़ और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनमें गहराई भी सदा बनी रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। चाहे आज रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है, पर इस कारण भारत रूस से अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ सकता। आज हमारे संबंध इस युद्ध की वजह से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं है। ये इसी तरह से प्रगाढ़ बने रहेंगे, क्योंकि
हम और रूस एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। पैरा फुटबॉल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, मगर आयोजन स्थल और उसके आयोजकों को लेकर विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कई देशों ने यहां तक कि मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत पहले कह दिया था कि कतर स्टेडियम बनाने वाले मजदूरों का शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा है। आगे चलकर इन आरोपों को सही भी पाया गया। व्यक्तिगत आज़ादी के मामले में खाड़ी के इस देश की छवि बहुत खराब रही है। फिर भी फीफा ने कार्रवाई करने के बदले चुप रहना ही बेहतर समझा। विराम। अब कतर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर और आगामी टूर्नामेंट के कई आधिकारिक प्रतिनिधियों में से एक खालिद सलमान ने कहा कि देश में आने वाले समलैंगिक लोगों को हमारे नियमों को स्वीकार करना होगा। शायद इसी डर से फीफा के पूर्व अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने मंगलवार को दोहराया कि विश्व कप की मेजबानी के लिए कतर को चुनना एक भयंकर गलती थी, मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। आशा है फीफा ऐसी गलतियों को फिर कभी नहीं दोहराएगा। पैरा। हालांकि वैज्ञानिकों ने जीएम फसलों के व्यावसायिक उपयोग को मंजूरी दे दी है, अब देश के पक्ष में समझदारी भरा फैसला लेने की जिम्मेदारी राजनेताओं की है। यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या जीएम के मामले में 2009 का दोहराव होगा। सरसों भी बटी बैंगन के रूप में, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा नियामक अनुमोदन दिया गया था, लेकिन बाद में इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान सरकार को भी इस पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वदेशी जागरण मंच ने मीडिया को बताया है कि जीएम सरसों न तो स्वदेशी है और न ही स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित। पैरा। हालांकि बीटी कपास की सफलता की कहानी भारत के एक आयातक से दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक में बदलने और अब वैश्विक कपास उत्पादन में अग्रणी होने की है। विराम। वैज्ञानिक अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी जीएम का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है, जिसकी लागत 2021-22 में $19 अरब थी। इस तरह सरकार अनिश्चित काल तक प्रौद्योगिकी को अवरुद्ध करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। खाद्य सुरक्षा, उत्पादकता, उत्पादन में वृद्धि और किसानों को कम खर्च करने और अधिक कमाने के लिए सक्षम बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। इसलिए किसानों की मदद के लिए जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हर स्तर पर कड़े जैव सुरक्षा परीक्षणों को अपनाना, जो किसानों को एक नया जीवन दे सकता है, भारत के हित में होगा। पैरा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने के क्रम में मौलाना आजाद के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन और रश्मि जलपान के बाद नामांकन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, अध्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा को
वित्तीय आवंटन की चिंता का राष्ट्रीय विमर्श जनहित होता है। पूर्ण विराम।